शुमाली अमरीका के कैरिबियन मुल्क बारबाडोस से तलक रखने वाली मारूफ गुलकारा रियाना एक दफ़ा फिर इंडियन हिंदू कम्युनिटी और इंडियन मीडिया की तनकीद की जद में। हुआ क्या है, पॉपुलर गुलकारा रियाना ने 16 फरवरी को सोशल मीडिया पर अपनी नीम रियां तस्वीर शेयर कर दी है। गुलकारा को तस्वीर में खवातीन के जेरे जामा के लिए अपने ही मुतारफ कराए गए अंडर गारमेंट्स ब्रांड सिवेज एक्स फेंटी का लिबास पहने हुए देखा जा सकता है। उन्होंने तस्वीर में जामनी रंग का जेरे जामा और उसके साथ साथ उसी रंग का हार और झुमके पहने हुए हैं। इंडियन हिंदू कम्युनिटी का कहना है कि जो उन्होंने हार पहना हुआ है वो उनके भगवान गणेश के नकोश का डिजाइन है और इंडियन मीडिया भी यही कहता है कि उस हार का निचले वाला हिस्सा उनके देवता भगवान गणेश का नक्श है। गुलकारा ने जो ही ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है तो हजारों अफराद ने उन पर कमेंट्स किए हैं और हिंदू मजहब से तलक रखने वाले अफराद ने उन पर अपनी देवी और देवताओं की तहीन का इल्जाम आयद किया है और साथ साथ हिंदुओं ने कहा है कि ये हमारे मजहब की निशानियां हैं, आप इन्हें फैशन के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये भी बताता जाऊं, इससे कबल माह फरवरी के आगाज में रियाना के खिलाफ इंडिया में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया था जब उन्होंने कई माह से एहतजाज करने वाले इंडियन किसानों के हक में एक ट्वीट की थी और इंडियन मीडिया ने किसानों के हक में ट्वीट करने के बाद रियाना पर पाकिस्तानी एजेंट का इल्जाम भी लगाया था। अब हम आपको बताते हैं कि रियाना है कौन। गुलकारा रॉबन रियाना फेंटी 20 फरवरी 1988 को शुमाली अमरीका के कैरिबियन मुल्क बारबाडोस में पैदा हुई हैं। रियाना ने अपने करियर का आगाज बतौर गुलकारा 2005 में सिर्फ 17 साल की उम्र में किया था। गुलकारा रियाना 5 स्टूडियो एल्बम और चंद डीवीडी रिलीज कर चुकी हैं। उन्होंने कई एक पुराने गानों की रीमिक्स भी बनाई हैं। रियाना की पॉपुलरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, रियाना 5 अमरीकी म्यूजिक अवार्ड के अलावा 5 ग्रीमी अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। उसके अलावा 2012 में अमरीकी मैगजीन टाइम ने उन्हें दुनिया की मुतासर तरीन शख्सियत करार दिया था। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है, अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।